तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ और आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। तो फाइनली आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आप लोगों की दुआ से मैं फाइनली सऊदी अरब आ चुका हूँ और सऊदी अरब की कार का वीडियो बना रहा हूँ मैं, यहाँ की गाड़ियों का। तो ये हुंडई की एसेंट है, 2021 का मॉडल है, देख पा रहे हैं आप, सेम टू सेम इंडिया जैसी कार है, इंडिया वाली कार है एसेंट। बस यहाँ सिर्फ आपको स्टेयरिंग अलग देखने को मिलेगा, स्टेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड को मिलेगा, बाकी अपने उधर राइट हैंड साइड को दिया हुआ रहता है और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को दिया हुआ है, बाकी और कुछ अंतर नहीं, बाकी सब कुछ सब सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ की वीडियो को मेरा यहाँ की वीडियो, यहाँ का वीडियो बना करके आपके सामने लाने का मकसद मेरा ये है कि आप यहाँ की गाड़ियों को भी देखें और समझें। तो अभी बैटरी वायर लगी हुई है और मैं जा रहा हूँ इसका डैशबोर्ड खोलने के लिए। डैशबोर्ड क्यों खोलने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका इवापोरेटर कॉइल ना लीकेज हो चुका है, इस वजह से मैं इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूँ और इवापोरेटर कॉइल रिप्लेस करेंगे खोल के। तो चलो सबसे पहले गाड़ी चालू करके दिखा देता हूँ आपको, गाड़ी ऑन पोजीशन है, सब कुछ है, बस कूलिंग का मसला था इसका। तो चलो मैं गाड़ी बंद करके बैटरी वायर रिमूव करता हूँ, रिमूव करके फिर आपको दिखाता हूँ फर्स्ट अपन क्या खोलने का रहता है एसेंट का, और क्या क्या खोलता हूँ वो सब चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाऊँगा, ए टू जेड जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने और समझाने के लिए। सबसे पहले मेरे को कंसोल बॉक्स खोलना रहता है, तो कंसोल बॉक्स खोलने के बाद फिर क्या खोलूँगा, तो वो सब चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो चलो बैटरी वायर बाहर से रिमूव करके फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली अपना बैटरी वायर रिमूव हो चुका, देख पा रहे हैं आप। तो सबसे पहले मैं ये गियर का जो ऊपर का क्रोम दिया है इसको खोल लेते हैं। ऐसे आप इसको कटाएंगे, पीछे नीचे एक सॉकेट दिया हुआ रहेगा, सॉकेट निकल चुका, तो इसको यहीं पे होल्ड कर दें, इसको निकालने के लफड़े में मत जाना आप। उसके बाद जो मेरे को खोलना है इसको, आप एक बार सबसे पहले गियर को ना पी पे ले लेना, सॉरी पी पे बोल रहा हूँ, डी पे ले लेना, कोई भी डी पे, एन पे करके छोड़ देना इसको। अगर वहाँ से नहीं ले पा रहे आप तो यहाँ से एक बटन दिया हुआ है ये वाला, इसको शिफ्ट करेंगे तो ये फिर चेंज हो जाता है गियर। तो ज़रा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, तो ये बटन दबा करके मेरा गियर शिफ्ट हो गया, ये दबाएंगे और क्लच को दबा के रखेंगे या भी नहीं भी दबाएंगे तो चल जाएगा, ये बटन दबाने के बाद ये वाला बटन दबा करके शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको मैं पीछे ले लिया, उसके बाद ये वाला निकलेगा अपना, ये सॉकेट रहेगी, तो ये एक मेन मसला ये है, मैं सॉकेट निकाल के इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि एक हाथ से अपने को जमता नहीं सॉकेट निकालना, इसके वजह से। तो चलो मैं ये तीनों सॉकेट निकाल लेता हूँ, एक लाइटर की, एक केबल की चार्जर की दिया है और एक यूएसबी पोर्ट का दिया है, तो ये तीनों निकालता हूँ मैं। तो फाइनली तीनों सॉकेट निकाल चुका हूँ, इसको यहाँ से निकाल दिया हूँ और ये निकल चुका अपना, तो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब जो रहा अपना एक स्क्रू, ये एक स्क्रू, ये और ये 10 नंबर, ये खोलता हूँ मैं, खोल के फिर दिखाता हूँ आप। तो फाइनली मैं यहाँ का स्क्रू खोल लिया हूँ, 10 नंबर दोनों, और एक स्क्रू इधर रहता है, एक स्क्रू इधर का खोल दिया। अब पीछे आ जाओ आप, एक कवर रहेगा ये निकालने के बाद, ये दो 10 नंबर दिखेगा आपको, तो ये दोनों 10 नंबर खोल लेने का। खोलने के बाद ये इजीली हिलता है पूरा, देख पा रहे हैं। अब इसके पीछे आ जाओ, एक क्लिप दिया रहेगा, ये सेम ड्राइवर साइड भी दिया रहेगा इधर, तो ये दोनों क्लिप मैं निकालता हूँ। तो जैसे ही दोनों साइड का क्लिप निकाल देंगे अपना ये, और इसको यहाँ से निकाल देने का,
हैंड ब्रेक अड़चन ना करे अपने को ताकि निकालने टाइम। अभी इजीली अपना ऊपर आ जाएगा, तो चलो फिर इसको मैं बाहर निकालता हूँ। तो फाइनली देख रहे हैं आप, इसको मैं ऐसे ऊपर ले लिया और इसको अंदर डाल देने का और ये तुम्हारा बाहर आ जाएगा। तो चलो फाइनली इसको मैं बाहर लेता हूँ। तो फाइनली ये कंसोल बॉक्स का सेटअप निकाल दिया हूँ। अब अपना सामने क्या आ रहा है, ये डक्ट आ रहा है। तो दो क्लिप यहाँ देख पा रहे हैं, एक क्लिप यहाँ, दो, उसके बाद आगे और कुछ नहीं, बस ये दो क्लिप निकालने के बाद ये डक्ट निकल जाएगा अपना। तो क्लिप ज़्यादा टाइट नहीं रहता है, मैंने इसको और लेंगे बारीक वाला। निकल गया, ये भी निकल गया। अब इसको फिर वैसे सेम इसको अंदर डाल के बाहर खींच लेने का। इसको निकल गया, तो चलो इसको पीछे होल्ड कर दिया मैं। अब गियर बॉक्स को खोल के लेफ्ट पैसेंजर साइड पलटी मारना है। तो चलो चारों 12 नंबर में खोलता हूँ। एक ये, एक दो, एक तीन, एक चार, ये दिया है। तो चारों 12 नंबर खोल के इसको मैं पलटी मारता हूँ। तो मैं फाइनली इसका चारों बोल्ट खोल दिया हूँ, देख पा रहे हैं आप। बस आप अगर इसको अलग करना चाहते हैं तो ऐसे यहाँ नीचे लेटा देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। बाकी ये दोनों सॉकेट निकालना पड़ेगा, बस ये वाली सॉकेट निकालना पड़ेगा। आप अगर इसको पूरा बाहर ही ले लेंगे तो आपको इसको सबसे पहले ये वाली पिन देख रहे हैं गियर वाला, इसको खींच के निकाल दें आप। अगर निकालना चाहते हैं तो आपको स्पेस अगर अच्छा चाहिए, क्योंकि ये अड़चन दे सकता है बाद में, क्योंकि डैशबोर्ड इसका पलटी मारूंगा मैं। तो इसको माइनस स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा बाहर ले ले, क्योंकि इसको मैं निकाल देता हूँ मैं। तो गाड़ी मेरा ड्राइविंग पे था, इसकी वजह से ये पीछे अंदर चला गया था, इसकी वजह से ये निकल नहीं रहा था। तो चलो इसको निकाल दिया। और यहाँ से इसको आप निकाल दें, यहाँ से इजी स्टेप में आपका इधर स्क्रू ड्राइवर डालेंगे, तभी ये लॉक निकलेगा यहाँ का। तो मैं इसको निकालता हूँ। तो अपना फाइनली ये भी निकल ही चुका। तो अब इसको जहाँ आपको जहाँ दिल करे वहाँ लेके जा सकते हैं। बस बाकी ये दोनों क्लिप निकाल दें, क्लिप और ये एक सॉकेट। अब उसके बाद इसको आप यहाँ से बाहर ही ले लें, आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी। तो चलो मैं क्लिप निकाल के इसको बाहर पीछे होल्ड करता हूँ। तो फाइनली अपना ये निकल चुका है, इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ मैं। ये वाला सॉकेट निकाल दें आप, एयरबैग वाली, ये इसको इधर दबाएंगे आप। दबता नहीं जल्दी, ये एयरबैग की सॉकेट अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से बनाता है। हर कंपनी की गाड़ी में अलग अलग सॉकेट मिलेगा देखने को आपको। तो ये सॉकेट निकल चुका अपना, ये सॉकेट निकालने की ज़रूरत है नहीं अपने को। तो चलो अपन अब निकालते हैं साइड का पैनल। इसका लॉक ऐसा दिया है, एक ऊपर से दबाने वाला, एक नीचे से दबाने वाला। एक स्क्रूड्राइवर का सहारा लेकर के आप ऊपर से थोड़ा सा ऊपर वाली लॉक को नीचे करना रहेगा आपको, फिर नीचे वाली ऊपर करना रहेगा। तो चलो मैं इसको निकालता हूँ। तो ये लॉक जो है ना, आप काफ़ी संभाल के निकालिएगा, इसको डॉल का सहारा लेके। ये ऊपर वाला जब इसको दबाएंगे ना, ये नीचे होगा, फिर ये लॉक निकल जाएगा। तो फिर उसके बाद नीचे से आप इसको डॉल डालेंगे, फिर ये ऊपर आएगा। तो चलो इसको निकालता हूँ मैं, सेम उस साइड उस तरीके का।
इसी तरीके से निकालना रहेगा आपको। तो साइड में आपको आ जाता हूँ पहले, क्योंकि साइड सॉकेट वगैरह निकालना पड़ेगा। ये फ्यूज बॉक्स का कवर निकाल लेते हैं। उसके बाद ये 210 नंबर दिख रहा है आपको, इससे पहले आप माइनस को डॉट से लेकर के इसको कटा करके यहाँ से ये गैस्केट निकाल दे पहले। ये बड़ा इसको डाल लेना पड़ेगा मेरे को थोड़ा। तो ये निकल चुका अपना, ये रहेगी इसको स्क्रू एक ये और एक नीचे दिया है दो। उससे पहले ये भी निकाल दें आप, उसके बाद एक दस नंबर ये दो दो साइड का स्क्रू और एक स्क्रू यहाँ रहेगा यहाँ पे। तो ये दोनों खोल के ये कवर बाहर लेता हूँ मैं, फिर दिखाता हूँ आगे। तो फाइनली इधर का सब खोल दिया हूँ, स्क्रू वगैरह। और सबसे पहले आप बोनेट की केबल का स्क्रू खोल दें और इसको नीचे ले लें, फिर इजी रहेगा आपके लिए। और इसको थोड़ा सा इधर करेंगे आप तो ये निकल जाएगा, इधर भी वैसी रहेगा सेम। तो एक सॉकेट दिया हुआ रहेगा यहाँ, तो ये सॉकेट निकालता हूँ मैं। तो फाइनली ये सॉकेट निकल चुका, आप देख रहे हैं सामने का सेटअप। तो चलो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब मेरे को खोलना है यहाँ 12 नंबर दिया रहेगा, यहाँ 12 नंबर दिया रहेगा इसके अंदर, और एक 10 नंबर ये भी खोलना पड़ेगा 10 नंबर। तो चलो मैं सब खोलता हूँ। इसका डैशबोर्ड और एंगल क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट तीनों चीज़ साथ में आएगा। तो अपना इधर का सारा सेटअप खुल चुका, इधर का 10 नंबर, इधर का 10 नंबर, इधर का 12 नंबर, 12 नंबर यहाँ का खुल गया। अब मैं नीचे दिखाता हूँ आपको, सॉकेट खोलना रहेगा कौन सा, ये वाली सॉकेट, इसको दबाने का ऐसा, ये खुल गया। इसके बाद ये वाली सॉकेट, ये भी खुल चुका। इसके बाद ये स्टेयरिंग वाली सॉकेट, पावर स्टेयरिंग वाली सॉकेट जो मॉड्यूल में लगा हुआ रहता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग का, ये हो गया। ये यहाँ से आपको निकाल देना है यहाँ से इसको, क्योंकि ये वायर बाहर से आई है, एंगल के साथ जुड़ा नहीं है। तो फाइनली ये वाला क्लिप निकाल दिया, और इसका भी एक क्लिप है इधर, ये भी निकाल दिया इधर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ रहता है क्लिप ये वाली फाइबर में। उसके बाद आपको नीचे जो सॉकेट है ये वाली खोलनी पड़ेगी सेम, ये वाला इसको दबाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो इधर की सॉकेट लग पूरी खुल चुकी है अपना, और इधर से तो कुछ खोलना रहेगा नहीं अपने को, इधर से भी कुछ भी खोलने का नहीं है अपने को, सिर्फ स्टेयरिंग का बोल्ट खोलना पड़ेगा आपको। ये वाली 12 नंबर स्टेयरिंग लॉक कर दें आप, और ये 12 नंबर खोल दें। तो मैं स्टेयरिंग लॉक करके 12 नंबर खोल देता हूँ इस साइड से। तो स्टेयरिंग अपना लॉक है अभी, अब अपना यहाँ से इसको निकल गया है। तो अब इस साइड का मेरे को ये 12 नंबर, ये 210 नंबर खोलना बाकी है। तो ये खोल के पट्टी अलग कर देता हूँ मैं,
तो ये फाइनली तीनों 10 नंबर था, मैं खोल दिया इसको, ये पट्टी निकल चुकी है अपनी। तो चलो फिर मैं अब उस साइड जाता हूँ, उस साइड से दिखाता हूँ क्या क्या खोलना पड़ रहा है अपने को। तो इस साइड भी आपको ये पैनल वैसे ही खोलना पड़ेगा जैसे उस साइड का खोले थे। ये माइनस स्क्रू डॉट से ऊपर नीचे करेंगे, उसके ऊपर लॉक, ऊपर वाला लॉक पहले करें, ये करेंगे फिर नीचे वाला खुलेगा। हाथ से तो मुझे इम्पॉसिबल है, तो चलो मैं खोलता हूँ। उसके बाद ग्लोव बॉक्स, ग्लोव बॉक्स तो इजीली खोल देंगे। उसके बाद ये वाला फाइबर खोलता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ का लॉक मैं निकाल दिया हूँ, जैसे लॉक निकालेंगे निकल जाएगा। इसके बाद एक ये दोनों सॉकेट निकालनी पड़ेगी अपने को। तो चलो मैं इसको निकालता हूँ। उसके बाद ये वाला नीचे का, ये निकल चुका। उसके बाद आपको ये जो वायर दिख रही है इसका सॉकेट, यहाँ से क्लिप निकाल के यहाँ से ये सॉकेट निकाल दें, ये क्लिप निकाल दें। उसके बाद इधर ऐसे ही रहने दें और ये खोलना पड़ेगा आपको। यहाँ इसको डॉट डालेंगे, इसको डॉट संभाल कर डालना, कभी कभी इसको डॉट निकल जाता है तो फिर हाथ बीट में लग जाता है। तो ये वाली फाइबर निकालने के बाद को ये तीनों 10 नंबर खोलना रहेगा। बाहर से इधर इस साइड से नहीं दिया हुआ रहता है इसको 12 नंबर कुछ, बस यही सपोर्ट के लिए रहता है एंगल को, और कुछ नहीं। ये सॉकेट तो निकाल दिया हूँ मैं। उसके बाद अपने को एक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट को सपोर्ट के लिए एक ये वाला 10 नंबर देता है। तो चलो ये तीनों मैं खोलता हूँ चारों। लूज करके रखा था मैं पहले, ये भी खुल गया। ये भी खुल गया। तो अब अंदर से मेरा डैशबोर्ड का जो कुछ भी खोलना है, खोलना रहता है, मैं सब खोल चुका हूँ। तो चलो अपन अब बाहर चलते हैं, बाहर चल के मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या खोलना पड़ रहा है अपने को। तो चलो बाहर चलते हैं, तो चलो बाहर चलते हैं अपन, बाहर चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं ये वाइपर का जो 14 नंबर का बोल्ट, तो दबाएंगे ये इजीली निकल जाएगा, इसको भी ऐसे ही दबाएंगे निकल जाएगा। तो निकल चुका दोनों वाइपर ब्लेड। अब मैं कॉल पैनल का लॉक सब निकाल दिया हूँ, अभी इसको खींचेंगे ये निकल जाएगा। निकल गया। तो अब देख लीजिए ये 12 नंबर इसके अंदर है, मैं 12 नंबर। तो फाइनली मैं अंदर का बोल्ट खोल चुका हूँ, देख लीजिए आप। यहाँ से बोल्ट का होल तो दिख नहीं रहा है लेकिन, बट बोल्ट निकाल चुका हूँ मैं, क्योंकि वाइपर ब्लेड है, ये वाइपर मोटर ये कर रहा है। और एक्सपेंशन वाल भी निकाल दिया हूँ, हीटर का लॉक निकाल दिया हूँ, बट पाइप को घुमाना पड़ेगा ताकत से फिर निकलेगा ये। तो चलो इसको मैं निकालता हूँ, निकालने के बाद फिर अंदर आके, अंदर चलो अंदर दिखाता हूँ, अंदर भी तो सब खुल गया है अपना। और अब तो चलो फिर मैं इसको, आप देख पा रहे हैं डैशबोर्ड हिल रही है, ये लॉक में बैठा हुआ है, इसकी वजह से ज़रा सा भी नहीं हिल रहा है। तो चलो इसको मैं फाइनली पलटी मारता हूँ और क्या क्या खोलने का रहता है वो सब चीज़ें मैं आपको दिखा दिया हूँ। बाकी कोई ऐसा चीज़ अगर गलती से भूल गया हूँ तो आई एम सॉरी, लेकिन बाकी पूरा चीज़ दिखाने की कोशिश की हूँ, सब चीज़ जो जो मैंने खोला
तो चलो अब मैं इसको डैशबोर्ड को पलटी मारता हूँ, फिर पलटी मार के आगे दिखाता हूँ। तो फाइनली अपना डैशबोर्ड पलटी मार दिया हूँ मैं। ये रही इसका कूलिंग कॉइल का पोर्शन। तो चलो मैं स्क्रू खोलता हूँ इसका। स्क्रू कितना दिया है वो दिखा देता हूँ। एक दो तीन एक ये चार पांच स्क्रू रहेगा, एक इधर है, छह स्क्रू। तो सब खोलता हूँ मैं, खोल के फिर दिखाता हूँ आपको। तो टोटल अपने को 9 स्क्रू खोलना पड़ा। और इस साइड जो है ना आपको थोड़ा निकालने में तकलीफ़ दे सकता है क्योंकि ये इसके ऊपर चढ़ा हुआ रहता है। तो चलो मैं इसको निकाल लिया, ऐसे ही निकलेगा। ये रही सेंसर, इधर दिया है, इसको बाहर ले लेता हूँ। कहाँ अटक रहा है? कपड़ा अटक रहा था। तो देख पा रहे हैं कॉइल की कंडीशन सरने को है। तो नया वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही न्यू कॉइल। तो चलो इसको मैं फिट करता हूँ इसमें नया वाला, फिर दिखाता हूँ आपको। तो न्यू वाला कॉइल फिटिंग कर दिया हूँ। अब इसके ऊपर डक लगा देता हूँ, थोड़ा इधर लगाने में तकलीफ़ देगा बस, बाकी और कुछ नहीं। तो चलो मैं फाइनली फिटिंग करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। सेंसर यहाँ बैठेगा, बैठा देता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ। तो फाइनली प्रॉपर तरीके से सब फिट कर दिया हूँ, देख पा रहे हैं आप। बराबर से जैसा खोला था वैसा फिट हो गया। तो चलो फिर मैं डैशबोर्ड को अपने घर में डालता हूँ, इसका अपने लुक में डालता हूँ। तो फिर डाल के फिर दिखाता हूँ आगे। तो फाइनली डैशबोर्ड डाल दिया हूँ। तो चलो ये सब मैं धीरे धीरे फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके फिर बीच बीच में दिखाता रहूँगा आपको। तो चलो ये सब सॉकेट विकेट जो जो खोला है सब फिटिंग करके स्टेबल करता हूँ, स्टेबल करके फिर मैं आगे दिखाता हूँ। तो बाहर अपना सब कॉल पैनल, वाइपर ब्लेड वगैरह सब बैठ गया, एक्सपेंशन वाल, और इसको मैं सिलिकॉन डाल के चिपका दिया हूँ। एक्सपेंशन वाल भी बैठ गया, प्रेशर मार के रखा हूँ, 300 का प्रेशर होल्ड है अब तक। तो चलो फिर अंदर चलते हैं, आपको अंदर कहाँ कहाँ फिट हो चुका है तो देख लीजिए। अंदर भी काफ़ी फिट हो चुका है। ये गियर बॉक्स लगा दिया हूँ, डक्ट लगा दिया हूँ। अब ये सब फाइनली फिटिंग करके फिर मैं दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली देख पा रहे हैं आप, प्रॉपर तरीके से सब कुछ फिट हो गया है। मैं गाड़ी चालू कर रखा है, गैस चार्जिंग वगैरह हो चुका है और कूलिंग भी हो रही है प्रॉपर। मेरे पास तो थर्मामीटर है नहीं, जो मैं आपको यहाँ देखा था अभी अवेलेबल नहीं है अपने पास। मैं तो कूलिंग टेम्परेचर आपको देखा था, इवेपोरेटर कॉइल रिप्लेस करके दिखाया मैंने, डैशबोर्ड खोलने का प्रोसेस ए टू जेड आपको बताया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट गया रहेगा, गलती सबसे होती है, हो सकता है कुछ ना कुछ मैं भूल गया हूँ आपको बताना, बाकी और कुछ नहीं। मैं बताने की पूरा कोशिश किया हूँ और सब चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। तो मेरा रीज़न ये है कि आप यहाँ की गाड़ियों को भी देखें अच्छे से कि यहाँ की गाड़ियों में क्या रहता है, किस तरीके से सिस्टम दिया हुआ रहता है। तो आप अगर इंडिया में या फिर कोई भी कंट्री में सिर्फ ओनली एसी का काम करते हैं ना, तो अभी काम चलने वाला नहीं है एसी का काम करके, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का काम आपको आना चाहिए 100% नहीं तो अगर 50% भी आना चाहिए। अगर 50% आपको काम अगर नहीं आता है तो कोई भी कंपनी में आप अगर जा रहे हैं इंटरव्यू वगैरह देने के लिए तो वहाँ सिलेक्शन नहीं होगा जब तक कि आपका इलेक्ट्रिकल चीज़ें क्लियर नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आप अगर कोई भाई ये लाइन में आ गए हैं ऑटोमोबाइल लाइन में, तो आकर के बीच रास्ते में आकर के आप सोच रहे हैं कि ये काम छोड़ दूं, ऐसा गलती कभी ना करें, क्योंकि ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। आप अगर इसमें घुसे हैं तो मेहनत आपको काफ़ी करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। आप अगर सोचेंगे सिर्फ पैसे कमाऊं मैं, तो ये चीज़ है बिल्कुल गलत है, क्योंकि पैसे आप तभी कमा पाएंगे जब आप मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और ये लाइन में इतना मेहनत, जितना मेहनत कम करो, जितना मेहनत ज़्यादा करो उतना कम है ये लाइन के लिए, क्योंकि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की गाड़ियां लॉन्च कर रही है बहुत, इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की आप अगर उसमें घुसेंगे जब तक कि आप बेसिक चीज़ें आपको मालूम नहीं है, तो वहां जाकर के आप फंस जाएंगे। लास्ट में करेंगे क्या, वहां से आपको रिटर्न होना पड़ेगा, रिटर्न टू बैक। क्यों? क्योंकि वहां जाकर के आप फंस जाएंगे और वहां जाकर के आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा कि कौन सा क्या है नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक कि आपका बेसिक चीज़ें कंप्लीट ना हो।
यहीं पे एयर कंडीशन सिस्टम में सऊदी अरब में मैं आया हूँ, तो यहाँ पे एयर कंडीशन सिस्टम में इतने सारे सेंसर लगे हैं कि अगर एसी बंद हो गया तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से बंद हुआ है, कि किस चीज़ किस प्रॉब्लम की वजह से बंद हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे सेंसर लगे हैं। कंप्रेसर में 2-3 सेंसर लगा देता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर में गाड़ियाँ चलती है ना, तो उस जिसको उस चीज़ के उस चीज़ों के लिए कंप्रेसर में काफ़ी सेंसर लगे रहते हैं। तो बाकी और कुछ नहीं, अब मैं दम्माम में आया हूँ। अगर मेरे आजू बाजू में कोई फ्रेंड मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कॉमेंट करके। तो चलो फिर इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।